Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is what is compensation. Compensation क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा चैप्टर है compensation management और टॉपिक है concept of compensation। Compensation को उर्दू में मुआवजा कहते हैं। Compensation refers to the extrinsic reward that employee receive in exchange for their work। Compensation बेसिकली रेफ़र करता है extrinsic reward से, बैरूनी इनाम से, जिसको हम यहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड कहेंगे, जो कि एम्प्लॉई को दिया जाता है इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क, अपने काम के एक्सचेंज पे, कि वो किसी के लिए कोई काम करेंगे और एक्सचेंज में उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा। इट इज़ कम्पोज ऑफ वेज और सैलरी एंड इंसेंटिव और बोनस एंड एनी बेनिफिट। अब जो कंपनसेशन है वो कंपोस्ट ऑफ होता है वेज के, वेज कहते हैं दिहाड़ी जो कि लेबर को मोस्टली पे की जाती है, और सैलरी तनख्वाह जो कि महीने के एंड में दी जाती है, एंड इंसेंटिव और बोनस एंड एनी बेनिफिट। इसमें इंसेंटिव भी इंक्लूड होता है या बोनस भी इंक्लूड होता है, जो कि एम्प्लॉई को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिवार्ड दिया जाता है, उनको आप कह सकते हैं कि मोटिवेट करने के लिए, या और बहुत से बेनिफिट उनको दिए जा सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो सकता है, मोबाइल का लोड वगैरह हो सकता है, इस तरह के बेनिफिट दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड होते हैं, इनको कंपनसेशन कहा जाता है। ठीक है, from the above definition it can be concluded that the organization mainly consists of two type of compensation scheme। अगर हम ऊपर डेफिनेशन देखें तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली दो तरह की कंपनसेशन स्कीम जो है वो पेश करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। नंबर वन हमारे पास है डायरेक्ट कंपनसेशन, डायरेक्ट मुआवजा देना, और सेकंड है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। ठीक है, तो दोनों को हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं कि वो होता क्या है। तो नंबर वन हमारे पास है डायरेक्ट कंपनसेशन। मनी इज़ इंक्लूडेड अंडर डायरेक्ट कंपनसेशन पॉपुलरली नोन एज वेज या ग्रॉस पे। पैसा जो है वो इंक्लूड किया जाता है डायरेक्ट कंपनसेशन के अंदर, जो कि एम्प्लॉय को वेज के तौर पे या ग्रॉस पेमेंट के तौर पे दिया जाता है। देयर आर डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशन एंड बोनसेज। बहुत सारी शक्लें हैं फाइनेंशियल पेमेंट्स की, वो वेजेस के तौर पे भी हो सकते हैं, दिहाड़ी के तौर पे, सैलरी तनख्वाहें भी हो सकती है, इंसेंटिव बोनस वगैरह भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकते हैं, या एक्स्ट्रा बोनसेस वगैरह भी हो सकते हैं जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि ईद पे इनाम हो गया। ठीक है, सेल्स आज आपने टारगेट ज़्यादा अचीव कर लिया है तो उस पर आपको इंसेंटिव दे दिया जाएगा या बोनस दे दिया जाएगा, इस तरह के आपको पैसे दिए जाते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, डायरेक्ट कंपनसेशन होते हैं। सेकेंड हमारे पास है इनडायरेक्ट कंपनसेशन। Benefits come under indirect compensation. It may consist of insurance, life and death insurance, the employer's contribution to the retirement, pay for illness and vacation, and employer's required payment for employment welfare as a social security. अब जो इंटरेक्ट कंपनसेशन उसमें कौन से फ़ायदे हो जाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कंसिस्ट करता है इंश्योरेंस के ऊपर, चाहे वो डेथ या लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है। ठीक है, आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पालने के लिए हम इंश्योरेंस पे करेंगे। द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द रिटायरमेंट, अब जो काम कर रहा है, ठीक है, जो मालिक है उसकी कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के अंदर, जो एम्प्लॉयर है उसकी कंट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट के अंदर, कि जब आपकी जॉब का दौरानिया ख़त्म हो जाए तो रिटायरमेंट के लिए पेमेंट की जाए आप। ठीक है, पे फॉर इलनेस एंड वेकेशन, बीमारी के ऊपर आपके जो बीमारी के खर्चे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी, और आपकी अगर वेकेशन किसी वजह से हो जाती है तो फिर भी आपको सैलरी देगी। एंड एम्प्लॉयर्स रिक्वायर्ड पेमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर एज अ सोशल सिक्योरिटी, और एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर के लिए बेहतरी के लिए, ठीक है, रोज़गारी की बेहतरी के लिए अमाउंट जमा की करवाई जाए सोशल सिक्योरिटी के लिए, कि कभी किसी के लिए कोई मसला आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर के लिए पैसे जमा किए जाते हैं तो उनको एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन हमारे पास हो जाती है, इंश्योरेंस हो गई, बीमारी के पैसे वगैरह हो गए, ठीक है, रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह हो गए, ये इनडायरेक्ट कंपनसेशन होती है। ये आपको महीने के एंड में या दिन के एंड में नहीं मिलती, ये आपको एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए जो हमने यहाँ पे मेंशन किया उसके लिए पे की जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का टॉपिक था कि कंपनसेशन क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनसेशन क्या होती है। यहीं पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड होता है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Purpose and Uses of Compensation। मकसद क्या होता है और इस्तेमाल क्या होगा कंपनसेशन का, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है कंपनसेशन मैनेजमेंट और टॉपिक है पर्पस एंड यूजेस ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सेवरल पर्पस इट कैन सर्व इंक्लूडिंग कंपनसेशन जो मुआवजा, ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत सारे मकासद जो है सर्व करता है, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से वो मकासद हैं, पर्पसेज हैं या यूजेस हैं। सबसे पहले टू अट्रैक्ट पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट, ये अट्रैक्ट करता है काबिल लोगों को ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। इन रिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एफर्ट, the compensation program can help assure that pay is sufficient to attract the right people at right time for the right job। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का ताल्लुक है उसमें जो कंपनसेशन का एफर्ट है वो ये मेक श्योर करता है कि जो सैलरी है, पेमेंट जो है वो इतनी सफिशेंट हो कि वो राइट पीपल को राइट जॉब के लिए अट्रैक्ट कर सके, कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो हमें कंपनसेशन यानी कि सैलरी जो है वो इतनी अट्रैक्टिव रखनी है कि अच्छे लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। तो अगर कंपनसेशन प्लान अच्छा होगा, वो मेक श्योर करेगा कि सैलरीज अच्छी हैं, तो वो सैलरी जो है अट्रैक्ट करेगी पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स को ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काबिल लोग जॉब करने के लिए आ सकते हैं अगर कंपनसेशन प्लान हमारा अच्छा होगा। नेक्स्ट है टू रिटेन गुड एम्प्लॉय। कम्पिटिटिव कंपनसेशन स्कीम हेल्प टू रिटेन द एम्प्लॉय। अगर आपका कंपनसेशन एज़ कम्पेयर टू दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर है या तो वो ये जो है ये हेल्प करेगा कि आपके एम्प्लॉय कभी भी आपको छोड़ के ना जाए, वो रिटेन रहें, बरकरार रहें आपके पास ही। तो एक अच्छा कंपनसेशन प्लान जो है वो आपके एम्प्लॉय को आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही बरकरार रखेगा और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दूसरा हमें पर्पज़ और यूज़ जो है कंपनसेशन का ये मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है टू मोटिवेट एम्प्लॉय। कंपनसेशन कैन बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। गुड कंपनसेशन प्लान मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क प्रॉपरली। कंपनसेशन जो है मुआवजा है जो है बेसिकली एक ज़रिया बन सकता है मोटिवेशन का, कि एम्प्लॉय को हौसला अफजाई हो सकती है। गुड कंपनसेशन प्लान मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क प्रॉपरली। एक अच्छा कंपनसेशन प्लान जो है वो एम्प्लॉय को ही हौसला अफजाई करता है, मोटिवेट करता है कि अपना काम ठीक से करें। वो ये नहीं चाहेंगे कि इतना अच्छा हमें कंपनसेशन मिल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन से और हमें वो कंपनसेशन से हाथ धोना पड़े, अगर हम काम ठीक से ना करें तो ऑर्गेनाइजेशन को निकाल सकती है। तो वो चाहेंगे ये अच्छा कंपनसेशन उनको मिलता रहे और ये कंपनसेशन उनको मोटिवेट करता है कि वो अच्छी तरीके से अपना काम करें। तो ये हमारे पास तीसरा पर्पस या यूज़ कह सकते हैं कंपनसेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है टू एडमिनिस्ट्रेट पे विद लीगल रिक्वायरमेंट। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन टू मॉनिटर द कंपनसेशन पेमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ, सो टू अवॉइड वायलेशन ऑफ द लॉ द कंपनसेशन शुड बी प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय। अब टू एडमिनिस्ट्रेट पे विद लीगल रिक्वायरमेंट, जितने भी इंतज़ामिया है वो उस तरह से पे करती है जो कि कानूनी ज़रूरियात को भी पूरा करे। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करती है कंपनसेशन पेमेंट को अकॉर्डिंग टू द लॉ। कानून के मुताबिक ये ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को कंपनसेट कर भी रही है कि नहीं कर रही। सो टू अवॉइड द वायलेशन ऑफ लॉ, तो हमें कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, इससे बचने के लिए तो कंपनसेशन एम्प्लॉय को वो ठीक देनी चाहिए और कानून के मुताबिक देनी चाहिए। तो कंपनसेशन का एक मकसद ये भी है कि हम कानून को ना तोड़ें, ठीक है, सही तरीके से कंपनसेशन दें और कानून के मुताबिक दें, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी सारे इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। तो ये हमारे पास चौथा रीज़न है कंपनसेशन का, पर्पज़ और यूज़ है कंपनसेशन का, कि हमें कानून से भी बचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा है। लास्ट हमारे पास है टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी हिकमत अमली की ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, उनकी सहूलत कार बन सकता है कंपनसेशन। वो कैसे हो सकता है? टू फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, द ऑर्गेनाइजेशन में वांट टू क्रिएट अ वेरी रिवार्डिंग एंड सपोर्टिव क्लाइमेट। कि हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हिकमत अमली के जो मकासद हैं, उनको फैसिलिटेट करने की सहूलत देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट कर सकती है ऐसा माहौल जिसमें रिवार्ड भी दिया जाए एम्प्लॉयज़ को, उनको सपोर्ट भी किया जाए, ठीक है, उनकी हौसला अफजाई भी की जाए, सपोर्ट भी किया जाए और रिवार्डिंग इन्वायरमेंट हो कि अगर आप बेहतर काम करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। प्रॉपर कंपनसेशन स्कीम could be the effective tool to attain strategic objectives like rapid growth, survival, innovation। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रैपिड ग्रोथ चाहती है, उसका स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है रैपिड को तेज़ी से तरक्की करना, सर्वाइव करना मुश्किल हालात में, और इनोवेशन जिद्दत चाहती है, तो एक कंपनसेशन स्कीम जो होती है वो काफ़ी मददगार हथियार साबित हो सकती है इन मामलों में। कि अगर अच्छी कंपनसेशन मिल रही है तो एम्प्लॉई जो हैं वो अच्छा काम करेंगे, कंपनी को रैपिड ग्रोथ मिलेगा, वो सर्वाइवल करेगी मुश्किल हालात में और इनोवेशन भी लेके आएंगे वो कंपनी के अंदर। तो पांचवा जो हमारे पास पर्पस और यूज़ है कंपनसेशन का वो ये है कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सके। तो ये हमारे पास पांच पर्पसेस और यूजेस है कंपनसेशन के जो कोई भी कंपनी इस्तेमाल कर सकती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक के मुतालिक हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Structure and Component of Compensation। ढांचा और हिस्से कंपनसेशन के। हम इस टॉपिक को कह सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कि किस किस तरह टाइप्स ऑफ कंपनसेशन कौन कौन से हैं, कि किस किस तरह से हम कंपनसेशन यानी कि मुआवजा जो है अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होने के तहत दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन। वेजेस एंड सैलरी, सबसे पहले हमारे पास है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस कहते हैं दिहाड़ीदार मजदूरों को जो तनख्वाह दी जाती है, जो उजरत दी जाती है, वो वेजेस होती है। और सैलरी मोस्टली वो तनख्वाह होती है जो महीने के एंड में दी जाती है। वेजेस इज़ अ रिम्यूनरेशन paid periodically to an employee or worker such as blue collar workers, working class person who perform manual labor। वेजेस बेसिकली मुआवजा है, तनख्वाह है, उजरत है जो पे की जाती है पीरियडिकली। आप कह सकते हैं कि ये हर दिन के एंड में दी जाती है टू एन एम्प्लॉय को और वर्कर को such as blue collar worker। ये blue collar worker होते हैं बेसिकली जो manual labor का वर्क करते हैं, जो मजदूरी कर रहे होते हैं उनको हम ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं और इनको डेली बेसिस पे उनकी तनख्वाह दी जाती है, तो उस तनख्वाह को हम वेज कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सैलरी रेफर टू द वीकली और द मंथली रेट्स पे टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉय। दे आर वाइट कॉलर एम्प्लॉय वर्कर हु वर्क एट द डेस्क। दूसरी तरफ हमारे पास सैलरी है जो कि वीकली या मंथली दी जाती है, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामिया या प्रोफेशनल एम्प्लॉय होते हैं, पेशा वराना एम्प्लॉय जो होते हैं उनको दी जाती है। दे आर वाइट कॉलर एम्प्लॉय, इनको वाइट कॉलर एम्प्लॉय कहा जाता है। वर्कर्स हु वर्क एट द डेस्क, ये वो वर्कर्स होते हैं जो कुर्सी के पीछे बैठ के काम कर रहे होते हैं, ना कि लेबर या फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, मजदूरी वाला काम कर रहे होते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है हमारे पास कंपनसेशन का वो है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड है इंसेंटिव, मुलाजमीन को मिलने वाला जायद मुआवजा, ठीक है, शॉर्ट टर्म हम बेनिफिट भी कहते हैं इसको। इंसेंटिव्स रेफर टू ऑल द प्लान्स दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा पे फॉर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इन एडिशन टू रेगुलर सैलरी एंड वेजेस। दे एक्ट एज एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मोटिवेशन। इंसेंटिव जो है ये रेफ़र करता है हमारे उन तमाम प्लान से जिनसे हम ये नतीजा निकालते हैं कि हम एक्स्ट्रा पे करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी और वेजेस के अलावा अगर वो बेहतर या एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस कारकर्दगी हमें दिखा रहे होंगे। दे एक्ट एज एक्स्ट्रा फाइनेंशियल मोटिवेशन, ये इंसेंटिव जो होते हैं ये मालियाती मोटिवेशन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, मीन्स के ये हौसला अफजाई कर रहे होते हैं एम्प्लॉय की कि अगर आप कारकर्दगी अच्छी दिखाएंगे, एक्स्ट्रा कारकर्दगी दिखाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मुआवजा भी मिलेगा। तो इंसेंटिव भी बेसिकली कंपनसेशन का एक कंपोनेंट है, पार्ट है, कि हम इस तरह भी अपने एम्प्लॉयज़ को मुआवजा या रिवार्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स। दे आर यूजली नोन एज फ्रिंज बेनिफिट्स बिकॉज दे आर ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय एज अ फ्रिंज फ्री ऑफ कॉस्ट। बेनिफिट्स, फ़ायदे, ये यूजली हम इनको फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जो विदाउट एनी कॉस्ट के एम्प्लॉयर मालिक जो होता है अपने एम्प्लॉय को दे रहा होता है, ठीक है। दे आर सप्लीमेंट्स टू द वेजेस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय एट द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। ये बेसिकली सप्लीमेंट होते हैं, इजाफी मुआवजे होते हैं, इजाफी तनख्वाह होती है जो कि एम्प्लॉय को दी जाती है एम्प्लॉयर के खर्चे पे, कि एम्प्लॉय इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो बेनिफिट्स इनको दे रहा है। ये बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दीज बेनिफिट्स इंक्लूड पे फॉर टाइम नॉट वर्क, हॉलीडे, लीव्स, पेड वेकेशन, के आपको तनख्वाह दी जा रही है उन कामों के लिए जो आपने नहीं किए, जैसे कि अगर आप छुट्टी पे थे, आप लीव पे थे या आपने वेकेशन ली हुई थी तो आपको फिर भी हम सैलरी जो है वो पे करेंगे। प्रोटेक्शन प्रोग्राम, इंश्योरेंस, पेंशन और ग्रेटिट्यूटी, हम प्रोटेक्शन प्लान दे रहे हैं आपको, हम बीमा देंगे, आपको पेंशन देंगे, ठीक है, कि आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई इशू हो जाता है तो आपकी इंश्योरेंस होगी और आपकी रिटायरमेंट के बाद भी आपको पेंशन आपकी मिलती रहेगी, एक फिक्स सैलरी होगी जो आपको हम देते रहेंगे। ये भी बेनिफिट दिया जा सकता है कंपनी की तरफ से। एग्जैक्टिव बेनिफिट्स, टेलीफोन, सिक्योरिटी गार्ड, न्यूज़पेपर, के हम जो एग्जैक्टिव एम्प्लॉई होते हैं उनको वो बेनिफिट दिए जा सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन देना, टेलीफोन का बिल्स पे करना, सिक्योरिटी गार्ड फराहम करना और सुबह का डेली का न्यूज़पेपर उनको देना। ये तमाम बेनिफिट जो हैं ये आपके कंपनसेशन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जो कि एम्प्लॉयर मालिक की कॉस्ट पे आपको दिए जा रहे होते हैं। ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है कंपनसेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विस प्रिक्यूसिटीज़, ठीक है, एक्स्ट्रा और बोनस सर्विसेज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रोवाइड नंबर ऑफ सर्विस दैट एम्प्लॉयज़ फाइंड डिज़ायरेबल। ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती है बहुत सारी सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज़ को जो कि एम्प्लॉई जो है डिज़ायरेबल होता है, ख्वाहिशमंद होता है कि उसको ये सर्विसेज मिल जाएँ। These services are usually provided by the organization at no cost to the employee or at a significant reduction from what might have to be paid with our organization's support। ये जितने भी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड कर रही है ये एम्प्लॉय को विदाउट एनी कॉस्ट के, एम्प्लॉय को खर्चा नहीं दे रहा फिर भी ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, या ऐसा होता है कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन कर दी जाती है इन एक्स्ट्रा जो सर्विसेज हैं, प्रक्विस्टीज़ जो हैं, इसके बिना पे हम उनको काफ़ी रिडक्शन कर देते हैं, रायत कर देते हैं और फिर वो उनको ख़रीद रहे होते हैं बहुत ही कम पैसों पे। अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ना करे तो फिर उनको फुल पैसे देने पड़ते हैं। अभी कौन कौन सी सर्विसेज हो सकते हैं हम देखते हैं। फ्री और सब्सिडाइज हाउसिंग, वर्क क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, कि आपको फ्री में घर दिया जाए रहने के लिए, रहने की जगह दी जाए, काम करने के लिए कपड़े दिए जाए और ट्रांसपोर्टेशन आने जाने की सहूलत दी जाए। चाइल्ड केयर फैसिलिटी, डे केयर, नर्सरी, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स के, अक्सर जो वुमेन्स होती हैं जिनको किसी फैक्ट्री में जाके या किसी इंस्टीट्यूट में जाके काम करना होता है, जैसे कि मोस्टली तालीमी इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे चाइल्ड केयर फैसिलिटी दी जाती है कि आप अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ सकते हैं और अपने डेली जो रूटीन का काम है वो वहाँ पर आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड लीगल सर्विस, आपको कोई मालियाती या कानूनी सर्विस चाहिए तो वो भी हम फराहम कर सकते हैं। एजुकेशनल, मेडिकल जो मेडिकिनल होता है, आउट प्लेसमेंट सर्विस होती हैं, उनकी भी आपको हम बेनिफिट जो दे सकते हैं कि तालीम है, आपको मेडिसिन वगैरह चाहिए, ठीक है, या आउट प्लेसमेंट सर्विस के आपकी जगह किसी और को रखना हो फ़ौरन तौर पे तो उसकी भी सर्विस दिए जा सकते हैं फ़ौरन तौर पे। तो ये भी एक्स्ट्रा बोनस हमारे पास होते हैं जो कि कंपनसेशन का कंपोनेंट कहलाया जाता है। यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है बेसिकली एंड हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 18 है कंपनसेशन का। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट और स्ट्रक्चर ऑफ कंपनसेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Process of Compensation Management के अमल क्या है कि जिसमें हम कंपनसेशन की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके मुआवजा किस तरह से हम मैनेज कर रहे होते हैं उसके पूरे प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। आपके सामने एक डायग्राम है प्रोसेस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट जिसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 परफॉर्म जॉब एनालिसिस, नंबर 2 कंडक्ट पे और सैलरी सर्वे, नंबर 3 एनालाइज रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, उसके बाद हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर, फार्मिंग पे एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरी। वन बाय वन हम तमाम स्टेप्स को देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि हर स्टेप हमें बेसिकली कहना क्या चाहता है। तो प्रोसेस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट नंबर 1 हमारे पास जो स्टेप है प्रोसेस के अंदर वो है परफॉर्म जॉब एनालिसिस, कि हमें जॉब का जायज़ा और तजिया करना होगा, ठीक है। जॉब एनालिसिस हैज़ 2 मेजर आउटकम्स, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस के 2 मेजर आउटकम होते हैं। जब हम जॉब का तजिया या जायज़ा करते हैं तो 2 हमारे पास रिजल्ट आते हैं। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो हमें बताता है कि जॉब की ड्यूटीज़ क्या होंगी और कंडीशंस क्या होंगी और आपको क्या क्या जॉब पे करना पड़ेगा, और दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। आफ्टर विच द रेटिंग ऑफ द जॉब अकर, उसके बाद हम जॉब की रेटिंग करते हैं, मीन्स के हम बताते हैं कि जॉब्स जो है वो किस रेटिंग पे है ताकि उसकी पता चल सके कितना उसका स्टैंडर्ड हाई है या कितना कम है, उस हिसाब से हम उसको जान सकें, उसकी वैल्यू जान सकें, ठीक है। अ जॉब एवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ जॉब रिलेटेड टू द अदर जॉब। फिर हम जॉब एवेल्युएशन करते हैं, जो मैंने पहले बात बताई, हम रेटिंग करते हैं कि इससे पता चल जाता है कि एक जॉब की क्या वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू दूसरी जॉब की, ताकि उस हिसाब से हम उसका कंपनसेशन या मुआवजा जो है वो रख सकें। हर जॉब बराबर तो नहीं होती, हर जॉब की अपनी सैलरी, अपनी कंपनसेशन होती है, तो हम देखेंगे कि एक जॉब की क्या वैल्यू है एज कम्पेयर टू अदर जॉब की। एंड इट आल्सो कंसर्न विद कन्वर्टिंग द वर्क वैल्यू टू मॉनेटरी वैल्यू, इसका ये भी मकसद है कि हम जो वर्क वैल्यू है उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर पाएँ, कि जो काम है उसको पैसों में कन्वर्ट कर दें, कि इस काम के हमने कितने पेमेंट करनी है माल, उसको मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पे कहते हैं, मनी वैल्यू, कितने पैसे देने होंगे। तो सबसे पहले हमें जॉब एनालिसिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है कंडक्टिंग पे सर्वेस, इसमें देखते हैं कि वो क्या कहता है हमें आगे। अ सैलरी सर्वे इज अ टूल स्पेसिफिकली फॉर द रिम्यूनरेशन स्पेशलिस्ट एंड मैनेजर टू डिफाइन अ फेयर एंड कम्पिटिटिव सैलरी फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। सैलरी सर्वे है कि हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, जाके जांच पड़ताल कर रहे हैं, सवाल जवाब पूछ रहे हैं। ये टूल है बेसिकली जो कि यूज़ किया जाता है स्पेशलिस्ट रिम्यूनरेशन स्पेशलिस्ट जो कि लोगों का मुआवजा बनाने वाले स्पेशलिस्ट हैं या और एंड मैनेजर जो मैनेजर हैं, जो डिफाइन करते हैं एक फेयर इंसाफ वाला और कम्पिटिटिव सैलरी जो कि एम्प्लॉय को देनी चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। क्योंकि ये स्पेशलिस्ट हैं और मैनेजर ही हैं जो कि डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या हमें सैलरी देनी चाहिए, तो उनका सर्वे करना चाहिए ताकि सही सैलरी दी जाए और काम के मुताबिक जो है एम्प्लॉय को सैलरी दी जाए अपनी कंपनी के अंदर। द सैलरी डाटा इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पोजीशन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रीजन इंडस्ट्री कंपनी साइज एम्प्लॉय स्किल्स एक्सेट्रा। अब जो सर्वे का डाटा है उसकी बुनियाद क्या है कि एक तो देखा जाएगा स्पेसिफिक पोजीशन के जॉब की पोजीशन क्या है, ठीक है। टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रीजन, किस जगह पे जॉब की जा रही है उसका रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडस्ट्री कौन सी है, कंपनी का साइज कितना बड़ा है और एम्प्लॉयज़ की काबिलियत कितनी है। इन तमाम चीज़ों को बुनियाद रखा जाएगा हमारे सर्वे के अंदर और उस हिसाब से सैलरी जो है वो देखी जाएगी। ये हमारे पास दो स्टेप हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम भी देखनी है, उस हिसाब से सैलरी रखनी है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम डिटर्मिनेशन ऑफ पे रिक्वायर मोर देन वेजेस एंड सैलरी। हम इसमें एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल का, प्रॉब्लम्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ पे रिक्वायर मोर देन वेजेस सैलरी। अब हमें जब पे का पता लगाना है, डिटर्मिनेशन करनी है, उसकी डिस्कवरी करनी है, इसमें मोर देन चीज़ें होती हैं वेजेस और सैलरी के अलावा। जैसे कि हमने दिहाड़ी और तनख्वाह नहीं देनी, इसमें बहुत सी और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं जब पेमेंट की बात आती है, ठीक है। डजन ऑफ वेरिएबल कैन अफेक्ट वेज स्ट्रक्चर, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो असरअंदाज होते हैं, दर्जनों हमारे पास बातें हैं, फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होती हैं एक वेज के ढांचे के ऊपर, यानी कि सैलरी की तनख्वाह के ढांचे के ऊपर। HR मैनेजर में भी इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग क्यूरीज, जो HR मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, तो वो इन बातों पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा जो हम नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर वन, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द पे स्ट्रक्चर एंड द फ्रिंज बेनिफिट। अब जो पे स्ट्रक्चर है यानी कि जो एम्प्लॉय को हमें पेमेंट करनी है उसका ढांचा जो है उसके दरमियान और फ्रिंज बेनिफिट जो फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट दिए जा रहे हैं, फ्रिंज कहते हैं एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट जो दिए जाएंगे उसको एम्प्लॉय को, उनके बीच में क्या ताल्लुक होना चाहिए, ठीक है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अब हर जॉब के फ्रिंज बेनिफिट डिफरेंट होते हैं, उस हिसाब से देने पड़ते हैं, ठीक है। अब यानी कि अगर एक सेल्स ऑफिसर है तो उसका फ्रिंज बेनिफिट क्या होना चाहिए कि सेल्स का काम होता है, मोस्टली कंपनी के बाहर होता है कि आप मार्केट सर्वे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फ्रिंज बेनिफिट क्या है कि उसको बाइक का पेट्रोल दिया जाए। अब एक शख्स अगर कंपनी में बैठ के काम करने वाला है कि सारा दिन वो ऑफिस में रहता है तो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूल की खर्चा जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ वो दूर से आता है फिर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। अगर वो वहीं ऑफिस के साथ ही कहीं हॉस्टल में रहता है वगैरह वगैरह तो उसके लिए ये फ्रिंज बेनिफिट इतना फायदेमंद नहीं है, तो उसको उसके हिसाब से कोई और फ्रिंज बेनिफिट हमें देना पड़ेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पे स्ट्रक्चर और फ्रिंज बेनिफिट का ताल्लुक देखना, ठीक है। वुड द फर्म रिक्रूट न्यू एम्प्लॉई आफ्टर रिवाइज पे स्ट्रक्चर, क्या फर्म जो है उसको न्यू रिक्रूटमेंट तब करनी चाहिए जब पे स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाए या ना हो जाए, ठीक है, उसके बाद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप प्रिवेलिंग रेट्स ऑफ सैलरी कंसिस्टेंट विद द वैल्यूएशन ऑफ जॉब, और जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं सैलरी के क्या वो जॉब की हम इवेल्यूएशन कर रहे हैं उसके साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। और माजरत के नीचे हमारे पास बाहर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इशू है लैपटॉप के अंदर तो इसके लिए एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, तो नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो है HR मैनेजर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जानना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर। अब हम तैयार कर रहे हैं पेमेंट यानी कि सैलरी या कंपनसेशन का ढांचा, पे का ढांचा। इट इज अ जॉइंट आउटकम ऑफ अबव थ्री स्टेप फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग पे स्ट्रक्चर अ लॉट ऑफ डिसीजन नीड टू बी टेकन। फॉर एग्जांपल अभी जो प्रिपरेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर है बेसिकली ये जितना भी हमने ऊपर बातें डिस्कस की हैं 3 स्टेप के अंदर, ठीक है, जॉब एनालिसिस हो गया, हमारा सर्वे हो गया, ठीक है, या हमने जो क्या कहते हैं एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम जो की है, इन तीनों का नतीजा क्या निकलता है कि अब हम प्रिपरेशन करें जॉब स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग पे स्ट्रक्चर, अब पे स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, मकसद का पूरा करने के लिए कुछ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे वेदर टू पे अमाउंट इक्वल अबव और बिलो इंडस्ट्री लेवल, जो हमने पेमेंट देनी है एम्प्लॉय को क्या वो इंडस्ट्री लेवल से कम देनी है जो कि इंडस्ट्री में चल रही है पेमेंट, उसके बराबर देनी है, उससे हाई देनी है, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास डिसीजन है। हाउ मच इज पोजीशन और स्टेटस इन जॉब स्ट्रक्चर नीड टू पे, कितना एक पोजीशन को या एक स्टेटस को जॉब के अंदर, जो हमारी जॉब स्ट्रक्चर है उसके अंदर किसी को पोजीशन को देना चाहिए। मींस के क्या रैंक है, जैसे कि हमारे यहाँ डिफरेंट रैंक होते हैं गवर्नमेंट के, 17 स्केल, 16 स्केल, 18 स्केल का अफसर है, तो किस पोजीशन पे कितना जॉब का स्ट्रक्चर, किस तरह पे का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये फैसला करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग पे एडमिनिस्ट्रेशन रूल। एज द रेट रेंज ऑफ द सैलरीज हैव बीन डिटरमिन्ड, जब हम रेंज जो है सैलरी की फिक्स कर लें, जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं कि कितने पोजीशन को कितनी सैलरी देनी है, जब ये पूरी हो जाए द डेवलपमेंट ऑफ रूल्स पॉलिसीज ऑफ द पे सिस्टम हैज़ टू बी फिक्स। अब हमने डेवलपमेंट करनी है रूल्स और पॉलिसीज की जो पे के मुतालिक होनी चाहिए, उनको फिक्स कर देना चाहिए। मीन्स के हमने हर साल कितनी बढ़ानी है या क्या सिस्टम होगा वो सारी बात फिक्स कर देनी चाहिए। अलॉट ऑफ पॉलिसीज एंड रूल रिक्वायर्ड टू आंसर, बहुत सारी पॉलिसीज और रूल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं आंसर करने के लिए। सबसे पहले अट्रेट बिटवीन सीनियरिटी एंड मेरिट बेस, सीनियरिटी और मेरिट की बुनियाद पे होना चाहिए, ये एक रूल है बहुत इंपॉर्टेंट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पे इंक्रीज, किस हिसाब से सैलरी हमारी बढ़ेगी, सीनियरिटी के हिसाब से कितनी देनी है, मेरिट के हिसाब से कितनी देनी है, कितनी फ्रिक्वेंसी होगी हमारी सैलरी बनने की। हाउ टू कंट्रोल सैलरी और वेजेस कॉस्ट, सैलरी और वेजेस का जो खर्चा आ रहा है बनाने का वो किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, ये भी पॉलिसीज हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, हमारे पास लास्ट स्टेप है प्रोसेस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट का, कि अब हमने इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है अपने वेजेस और सैलरी की। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज फाइनली इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव। अब यानी कि जो स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, जो रूल और पॉलिसी बना ली है हमने कंपनसेशन की, उसको इम्प्लीमेंट कर देना है कि क्या सैलरी और क्या वेजेस होंगी। और ये अब जो इम्प्लीमेंट कर दिया, ये कंट्रोल किसने करना है, ऑथोराइज एग्जीक्यूटिव जो हैं, जो टॉप मैनेजर्स हैं, उनको अब इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। इट इज यूजली असाइन टू अ कमेटी कंपोज ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिसर, दिस कमेटी में रिक्वायर फ्रीक्वेंट एडवाइस एंड हेल्प फ्रॉम टेक्निकल एचआर स्टाफ। अब ये जितना भी प्रोसेस है उसको करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिसाइड कर रहे होते हैं। और ये कमेटी जो अक्सर एडवाइस चाहती है, हेल्प चाहती है एचआर टेक्निकल स्टाफ से, तो ह्यूमन रिसोर्स वाले भी इस कमेटी का हिस्सा होते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है कंपनसेशन मैनेजमेंट का उसको हैंडल कर रहे होते हैं, साथ में एडवाइस और उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का टॉपिक था, कंपनसेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस, कि किस तरह से हम कंपनसेशन बनाते हैं, उसका पूरा टॉपिक था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको समझ आ सके। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड टुडे आवर टॉपिक इज मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन, कि कौन कौन से तरीक़ेकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं एम्प्लॉय की कंपनसेशन के लिए, अपने एम्प्लॉय के मुआवजे के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कंपनसेशन अवेलेबल इन एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास बहुत सारे मेथड हैं कंपनसेशन के, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं कंपनसेशन के, वो किसी भी तरह से अपने एम्प्लॉय को मुआवजा दे सकती है। अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज सिंगल और टू और मोर मेथड एट अ टाइम। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीक़ेकार या दो तरीक़ेकार या उससे ज़्यादा तरीक़ेकार का इस्तेमाल कर सकती है अपने एम्प्लॉय की कंपनसेशन के लिए। हमारे पास कंपनसेशन के मेथड हैं, यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं स्किल बेस पे मेथड, जॉब बेस पे मेथड, वेरिएबल पे मेथड, स्केल प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, मेरिट पे मेथड। ये हमारे पास 5 तरीक़ेकार हैं। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि हर तरीक़ेकार में हम किस तरह से एम्प्लॉय को कंपनसेशन या उनकी पेमेंट जो है वो अदा करते हैं। तो सबसे पहले है स्किल्ड बेस पे मैथड। Skill based pay is a salary system that determines an employee's pay based on his or her knowledge, experience, education और specialized training। Skill based pay जो salary system है ये determine करती है कि हमने employee की जो pay है वो किन बुनियादों पे देनी है। तो उनकी बुनियादें क्या होंगी, उस employee की knowledge, ठीक है, उसका नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस तजुर्बा कितना है, एजुकेशन तालीम क्या है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अगर उसने ली हुई है, तो इन बुनियादों पे हम उसकी सैलरी जो है वो फिक्स कर रहे होंगे, कंपनसेशन जो है वो बना रहे होंगे। डिपेंडिंग ऑन द कंपनी द एम्प्लॉई माइट आल्सो रिसीव अ हायर सैलरी फॉर अर्निंग फॉर्मल सर्टिफिकेशन इन हिज और हर इंडस्ट्री। कंपनी पर डिपेंड करते हुए एम्प्लॉई जो है वो ज़्यादा सैलरी भी हासिल कर सकता है अगर उसके पास कोई फॉर्मल सर्टिफिकेशन है अपनी इंडस्ट्री से मुतलिक, मीन्स के कोई रस्मी उसके पास सर्टिफिकेशन है अपनी इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के मुतलिक एजुकेशन या एक्सपर्टीज़ के मुतलिक, तो उसको ज़्यादा सैलरी भी दी जा सकती है। तो इस तरीके कार में हम एम्प्लॉई के स्किल देखते हैं, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और स्पेशलाइज ट्रेनिंग की बुनियाद पर हम उसकी सैलरी जो है उसको पे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मैथड है हमारे पास जॉब बेस्ड पे मैथड, ठीक है। जॉब बेस्ड पे हाउएवर फोकस ऑन अ पर्सनल टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब बेस्ड पे जो है इसमें हम फोकस करते हैं पर्सन का टाइटल क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, कि क्या जिम्मेदारियां उसको दी जा रही हैं और क्या टाइटल उसके पास है पूरा। इसमें हम उसकी स्किल्स को नहीं देख रहे होते, जॉब का टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रहे होते हैं। This means that rather than looking at a person's skill, the company determines the person's salary based on their responsibility. हम इसमें एम्प्लॉय की काबिलियत को नहीं देख रहे होते, उसकी महारतें नहीं देख रहे होते, स्किल्स नहीं देख रहे होते। कंपनी जो है वो किसी भी पर्सन की जो सैलरी है वो किस बुनियाद पे रखती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बुनियाद पे, ठीक है, उसके टाइटल की बुनियाद पे। आप अक्सर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके देखते भी होंगे कि समटाइम आप सोचते होंगे कि इस शख्स के पास इतने स्किल्स ही नहीं है लेकिन इसको इसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द टाइटल ही और शी हैज़, उसकी वजह से उसको वो हाई सैलरी जो होती है वो मिल रही होती है। में भी काबिल ना भी हो लेकिन वो ऊँची ऊँची सीटों पे गए हुए होते हैं, यू नो कि किस तरह से वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो जॉब बेस पे मेथड में हम बेसिकली देखते हैं कि उनके पास टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उस हिसाब से एम्प्लॉय की पेमेंट जो है या कंपनसेशन जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल पे मैथड, ठीक है। वेरिएबल पे आल्सो समटाइम रेफर टू एज इंसेंटिव पे और कमीशन इज अ वे टू कंपनसेट एम्प्लॉय बियॉन्ड आवर्स वर्क एंड इनकरेज एम्प्लॉय टू मीट ऑब्जेक्टिव। वेरिएबल पे को हम रेफर करते हैं समटाइम इंसेंटिव पे और कमीशन पे। इंसेंटिव कहते हैं ज़ायद मुआवजा देना और कमीशन कहते हैं कमीशन की बुनियाद पे। मीन्स के अगर टारगेट आपको दे दिए गए हैं, अगर आप वो टारगेट पूरा करते हैं तो उसका आप कमीशन भी आपको मिलेगा। इज अ वे टू कंपनसेट एम्प्लॉय बियॉन्ड और वर्क, उनके और वर्क के अलावा जो वो एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं उनको इंकरेज किया जाता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके। तो जो उनकी सैलरी है वो तो मिलनी ही मिलनी है लेकिन उनको कमीशन भी मिलता है अगर वो अपने टारगेट पूरे करते हैं, तो इसमें उनकी सैलरी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। इंसेंटिव भी मिलते हैं, समटाइम्स आप अपने इलाके से बाहर जाके काम करके आते हैं तो उन पर इंसेंटिव भी दिए जाते हैं और कमीशन भी दिए जाते हैं आपको। तो अपने वर्किंग आवर से बियॉन्ड जाके आप काम करते हैं तो आपकी जो पे होती है वो डिफरेंट हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है, उस बुनियाद पर आपको कमीशन और इंसेंटिव जो है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केल प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ठीक है। An amount of money that an employee gets in addition to his or her normal scale pay because the cost of living in a particular area is high. Scale plus cost of living allowance एक बेसिकली इसमें अब होता क्या है कि हर एम्प्लॉय का, खासतौर पे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनका स्केल होता है। लाइक अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में कहीं पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे स्केल होता है, ठीक है। लेक्चरर का 17 है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 19 है, इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, डिफरेंट स्केल्स होते हैं। स्केल की बुनियाद पे उनको पेमेंट जो है, सैलरी जो है उनकी दी जा रही है। ये इसके अलावा उनकी नॉर्मल स्केल पे से अलावा भी उनको पैसे एक्स्ट्रा दिए जा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इज हाई, कि जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ी एक्सपेंसिव होती है, हाई होती है। तो स्केल प्लस स्केल के अलावा भी प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी उनको दिए जा रहे होते हैं कि एक तो आपके स्केल की बुनियाद पे यानी कि जो टाइटल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके अलावा आपको अलाउंस भी दिए जा रहे होते हैं। हाउसिंग अलाउंस होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, मेडिसिन का अलाउंस है, टेलीफोन का अलाउंस है, ये सब भी दिए जा रहे होते हैं। तो इस बुनियाद पे भी डिफरेंट कंपनी जो है वो सैलरी जो है वो दे रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल है मेरिट पे मैथड। मेरिट पे आल्सो नॉन एज पे फॉर परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज अ रेज इन पे बेस्ड ऑन द सेट ऑफ क्राइटेरिया सेट बाय द एम्प्लॉयर। मेरिट बेस पे हम कहते हैं बेसिकली इसको पे फॉर परफॉर्मेंस भी कहते हैं कि आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पे उस पर आपको सैलरी जो है कंपनसेशन है वो दी जा रही होती है। अब इसमें जो है इज डिफाइंड एज अ रेज इन पे, कि इसमें जो तनख्वाह है वो बढ़ रही होती है, पेमेंट इंक्रीज कर रही होती है बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्राइटेरिया सेट बाय द एम्प्लॉयर। जो कंपनी का मालिक है उसने कोई तरीकाकार बनाया हुआ होता है कि इस हद तक आपकी जो कारकर्दगी जाएगी तो आपकी पेमेंट में इंक्रीज आएगा। मीन्स कि ये मेरिट है, ये स्टैंडर्ड है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। दिस यूजली इन्वॉल्व द एम्प्लॉयर कंडक्टिंग अ रिव्यू मीटिंग विद द एम्प्लॉयज़ टू डिस्कस द एम्प्लॉय वर्क परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सर्टेन टाइम पीरियड। अब इसमें यूजली होता है क्या, इसमें इन्वॉल्व होता है एम्प्लॉयर कंडक्टिंग का रिव्यू मीटिंग, कि एम्प्लॉयर जो है मालिक जो होता है वो मीटिंग रखता है जिसमें वो जांचता है, एनालिसिस करता है, वैल्यूएट करता है एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में ड्यूरिंग सर्टेन टाइम पीरियड, के इस टाइम पीरियड के अंदर उसकी कारकर्दगी कैसी थी, और उस हिसाब से फिर उसकी पेमेंट जो है वो बढ़ा रहा होता है या कम कर रहा होता है। उस बुनियाद पर उनका कंपनसेशन जो है वो बनता है। तो ये बेसिकली हमारे पास 5 तरीक़ेकार हैं एम्प्लॉय के कंपनसेशन के लिए, जो हमने 1 by 1 डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, और स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।